उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न प्रदेशों से देवभूमि आए शिव भक्त कांवड़ियों का चरण धोकर और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने डाम कोटी में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ कांवड़ यात्रा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के कांवड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र जगह पर मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। कांवड़ यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाकर सरकार इस यात्रा में कांवड़ियों का सहयोगी बनकर कार्य कर रही है। कांवड़ियों की सेवा करना सभी के लिए पुण्य का काम है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य कैंप से लेकर विश्राम स्थल तक की पर्याप्त व्यवस्था की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार करने की कोशिश की गई है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड आए थे। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के उत्तराखंड आने का अनुमान है, जिसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को भगवान शंकर के प्रिय मास श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपना आशीष बनाकर रखें, अपनी दिव्य दृष्टि बनाकर रखें। आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक नया काम यहां पर प्रारंभ किया गया है। ये श्रावण मास में चलने वाला ये श्रावण मास का कांवड़ यात्रा, कांवड़ का ये उत्सव जो कि पिछले वर्ष 4 करोड़ कांवड़िए शिव भक्त यहां पर पहुंचे थे, इस वर्ष उससे भी अधिक यहां पर पहुंचने की संभावना है। उसमें जहां हम लोगों ने एक नई परंपरा को शुरू किया कि ये कठिन जो कांवड़ यात्रा है श्रावण मास में चलने वाली, उसमें हमारे सभी शिव भक्तों का हम अभिनंदन करें, उनका यहां पर स्वागत करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।